हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित साइंस वर्ल्ड में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रसायन विज्ञान। जी हाँ, क्लास इलेवंथ की रसायन विज्ञान को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा है क्लास इलेवंथ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आप जानते हैं परमाणु की संरचना। तो यहाँ पर जान रहे हैं हम परमाणु की संरचना के बारे में। हमारा जो पिछला टॉपिक था, जो पीछे वाला टॉपिक उसकी बात करें, जो हमारी पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से जो बोहर थे उनका हाइड्रोजन के प्रति परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। उसका जो रेखीय स्पेक्ट्रम था उसको भी हमने विस्तार से पढ़ा था। उसके अंदर हमने उसके कुछ दोष भी जाने थे कि किस प्रकार से जो बोहर ने परमाणु मॉडल पेश किया था हाइड्रोजन के लिए, उसके जो रेखीय स्पेक्ट्रम में हमने कुछ इसके कह सकते हैं कि हमने जाने थे कि कमियाँ जानी थी, जिसमें हमने पहली कमी थी जानी थी जीनन प्रभाव। और दूसरा हमने इसी में जो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल था उसी में हमने जाना था स्टार्क प्रभाव। तो आपको याद होगा कि क्या होता है जीनन प्रभाव और क्या है स्टार्क प्रभाव अच्छे से। तो हमने देखा था कि जीनन प्रभाव क्या होता है, जैसे जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है हम जानते हैं, ठीक है, तो उसको जैसे उस रेखा को जैसे चुंबकीय क्षेत्र से हम गुजारते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में उसे गुजारे या रखने पर वह क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत सी रेखाओं में विभक्त हो जाता है। उसी चीज़ को हमने क्या कहा था, जीनन प्रभाव कहा था, ठीक है। इसकी व्याख्या है वो नहीं कर पाए थे बोहर। उसके अलावा जो स्टार्क है स्टार्क प्रभाव है उसके अंदर हमने क्या देखा, तो उसके अंदर हमने देखा जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो हमें रेखा प्राप्त हो रही थी, जो रेखीय स्पेक्ट्रम में हमने जो रेखा प्राप्ति की थी, उस रेखीय स्पेक्ट्रम की रेखा को जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या होती है, बहुत सी जो रेखाओं में बंट जाती है, आप कह सकते हैं विभक्त हो जाती है। इन सभी की जो व्याख्या है वह बोहर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस जो हम पूरे कह सकते हैं कि अध्याय में या पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में जान रहे हैं। तो परमाणु की संरचना में भी हम अधिकतर बातें किस प्रकार से कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जहाँ पे हमने शुरू में देख रहे हैं जे.जे. थॉमसन मॉडल देखा था, ठीक है, तो उसके जैसे हमने क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर इस प्रकार से देखा था कि हमें पता है कि परमाणु का नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन वह प्रोटॉन पाए जाते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का कह सकते हैं कि नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। तो इसकी पुष्टि तो है जो धनावेशित है, लेकिन अब जो हमारे विचार चल रहे हैं, हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो किसके ऊपर चल रही है, वह इसके ऊपर चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसे कक्षाओं में घूमते हैं, किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, या फिर उनका जो बल है जिस नाभिक से पकड़े हुए वह बल क्या है, इस पर हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को हम बार बार कह सकते हैं कि समझने की यहाँ पर क्या करें, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा कह सकते हैं कि पॉइंट है या हमारा टॉपिक है वह इसी प्रकार से रहने वाला है। तो आप देखिए आज के टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, पीछे के टॉपिक में हम ये सब कुछ देख चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश है वह द्वैत प्रकृति दर्शाता है, वह रेखीय स्पेक्ट क्या कह सकते हैं कि एक किरण की तरह भी व्यवहार करता है और एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। इन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है, हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको विस्तार से हमने पढ़ लिया है। तो फिर आज के क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, यह भी जाना क्या रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आज हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि क्वांटम की तरफ पढ़ने वाले, कि क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं आप, कि क्वांटम यांत्रिकी की तरफ थोड़ी सी बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको लिख लेते हैं, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। इस प्रकार से एनसीईआरटी में हमारा कह सकते हैं कि टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसको फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि टॉपिक के हिसाब से एनसीईआरटी को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम क्या जानेंगे, हमने अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या देखा था कि जो प्रकाश है वह भी क्या करता है, वह हमने देखा कि विकिरण की भांति व्यवहार करता है और कण की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ये बात हुई तो जो हमारे क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर जो प्रकाश है वह विकिरण की तरह व्यवहार कर सकता है, कण की तरह व्यवहार कर सकता है, तो ऐसा जो पदार्थ है उसमें क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और जो द्रव्य होता है हमारा, पदार्थ होता है, उसकी द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति आप जानते हैं क्या होती है, जैसे कि वह कण की तरह व्यवहार करे और विकिरण की तरह भी व्यवहार करे, तो इसकी जो द्वैत प्रकृति है उसके ऊपर विचार किया। इन्होंने क्या कहा, नहीं, अगर ऐसा है कि अगर जो प्रकाश है वह भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है, तो हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ से क्या मतलब है, यहाँ पर पदार्थ से मतलब है, मैं पहले ही बता चुके हैं, हमने जब ये कह सकते हैं कि क्लास शुरू की थी, जो हमारा इलेवंथ का पहला चैप्टर था, उससे जब सबसे पहले हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह कुछ स्थान रहती है, वह सब कुछ क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, उसको हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
पहले हम बात करते हैं प्रकाश की, या कह सकते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ ली। अब द्रव्य की बात हमने की तो हमने अच्छे से देखा कि द्रव्य होता क्या है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि द्रव्य क्या होता है। अच्छे से इसके समझाने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, इसका हमने रासायनिक वर्णन, भौतिक वर्णन सभी प्रकार से हमने प्रकाश कह सकते हैं कि इसका वर्णन कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसके प्रकाश की तुलना में कह सकते हैं कि द्रव्य के भी उन्होंने क्या कहा, ये भी द्वैत प्रकृति दर्शाता होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने एक छोटा सा कह सकते हैं कि हमें सूत्र दे दिया जिसकी सहायता से सब कुछ कंफ्यूजन है वो दूर हो गया, कि जो हमारा कह सकते हैं द्रव्य है वह भी क्या करता है यहां पर द्वैत प्रकृति को दर्शाता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये हमें सूत्र दिया, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों, अब आप कहेंगे सर ये तो महत्वपूर्ण क्यों है, छोटा सा सूत्र है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो अब देखिए सूत्र में आप थोड़ा सा इसको अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। जो लैम्डा है, लैम्डा आपको पता है क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, आवृत्ति होता है, क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है। तो लैम्डा का मतलब क्या है लिख सकते हैं यहाँ पे आप आवृत्ति लिख सकते हैं, यह मैं अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने पीछे कि लैम्डा क्या होता है, इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए हम याद करते हैं पीछे, थोड़ा सा कह सकते हैं फ्लैशबैक में चलते हैं, आपको लेकर के थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था जो प्रकाश है इस प्रकार से एक तरंग के रूप में कह सकते हैं कि गमन करता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या हो रही है, एक आवृत्ति पूरी हो रही है, क्या हो रही है देख सकते हैं, एक आवृत्ति पूरी है। तो इसी को हमने किससे दर्शाया था, लैम्डा से दर्शाया था, थोड़ा याद आ गया होगा उम्मीद है आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसको हमने किससे दर्शाया था, लैम्डा से, तो आपको पता चल गया यहाँ पे लैम्डा क्या है। अब यहाँ पे एच की बात करें, तो एच की बात करें तो एच यहाँ पे क्या है, तो एच हम कहते हैं कि जो हमने प्लांक नियतांक पढ़ा है, प्लांक नियतांक, यहाँ पे एच किसको प्रदर्शित करता है, प्लांक नियतांक को प्रदर्शित करता है। और पी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा लैम्डा क्या है, आवर्ती है, एच बराबर प्लांक नियतांक को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। हमारा पी किसको प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस सूत्र को चाहे तो आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अब ये सूत्र क्या हुआ, और तो हमारे समान है सभी, लेकिन एम और वी का क्या मतलब हुआ, अभी अपने जो कह सकते हैं यूट्यूब चैनल का नाम है, नहीं नहीं एम यहाँ पे हम कह सकते हैं मास, एम से मतलब क्या है, मास से मतलब है कि मास क्या होता है, द्रव्यमान, जी हाँ द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पदार्थ की ये कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान है उसकी हम बात करें, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, ठीक है। उसी को हमने किसको सूत्र को संवेग को हमने क्या किया, विस्तारित कर करके पी बराबर एम वी, इस प्रकार से हमने इसको क्या किया विस्तार से लिखने की कोशिश की। तो ये हमारे समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है, इस समीकरण को क्या कहते हैं, जो हमारे द्वैत प्रकाश की द्वैत प्रकृति का वर्णन किया था हमारे द ब्रोकली, याद कह सकते हैं द ब्रेगली के नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया था, वर्णन किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस जो कह सकते हैं समीकरण को नाम दे दिया गया था, तो लिख सकते हैं आप उनके नाम को द ब्रोकली की समीकरण, ठीक है। तो ब्रोगली ने क्या कहा था, ब्रेगली ने क्या कहा था, यही कहा था इन्होंने कि जो प्रकाश है वह तो करता ही करता है द्वैत प्रकृति, लेकिन जो हमारा पदार्थ है वह भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ये सूत्र है, एक बार फिर से देखिए इसको अच्छे से, ये सूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, यहाँ पे देखते हैं एच अपॉन पी। तो यहाँ पे देखिए जो लैम्डा है वह प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो एच अपॉन पी है हमारा प्लांक नियतांक और समय, वह क्या करता है, हमारे पदार्थ की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए पदार्थ की द्वैत प्रकृति और प्रकाश की द्वैत प्रकृति दोनों को एक साथ में दर्शाया गया है, इसलिए हमारा जो ये फॉर्मूला है ये क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, नोट डाउन कर सकते हैं कि द ब्रेगली या ब्रोगली जो समीकरण है जो वैज्ञानिक थे के अनुसार लिख लीजिए, द ब्रोगली के अनुसार, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश की भांति ही हमारा जो पदार्थ है वह भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो लिखिए द ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश, या कह सकते हैं कि विकिरण, क्यों अब विकिरण की हम क्यों कर रहे हैं, प्रकाश प्रकाश बोल रहे हैं, विकिरण प्रकाश हमने देखा किस रूप में हमें प्राप्त होता है, एक विकिरण के रूप में तो हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकाश किस रूप में प्राप्त हो रहा है, एक विकिरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार प्रकाश लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए विकिरण, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, द्वैत प्रकृति, द्वैत के आगे आप अच्छे से लिख लीजिए तरंग व
कण। द्वैत का मतलब क्या है? तरंग वैकर्ण। कुछ बच्चों को फिर कहेंगे सर ये द्वैत क्या होता है, तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिए। तरंग वैकर्ण दोनों की तरह व्यवहार करता है, वह क्या होता है? द्वैत प्रकृति दर्शाता है, दर्शाता है। उसी प्रकार वैसे बता चुका हूँ ये बात, लेकिन थोड़ा सा क्या लिखने के लिए भी चाहिए हमें थोड़ा सा मटेरियल, क्योंकि सभी बातें हमें याद नहीं रहती है, तो हमें थोड़ा थोड़ा लिखना भी आवश्यक है बीच में। तो आप अपनी नोटबुक लेकर रखिए, उसमें थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते जाइए। उसी प्रकार द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है, या आप लिख सकते हैं द्वैत प्रकृति दर्शानी चाहिए। ये थोड़ा अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा पदार्थ है वह भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है, दर्शानी चाहिए, ठीक है? इनका नियम हो जाता है, ठीक है? तो द्रव्य क्या, द्रव्य को यहाँ पे हम किसी कण के रूप में भी ले सकते हैं। अब कण का क्या मतलब होता है यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कण, कण से क्या तात्पर्य है, कण से हम क्या समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी इस प्रकृति में अवस्थित कोई भी चीज़ है, जैसे आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक छोटा सा कण एक प्रकार का परमाणु का एक छोटा सा कण ही तो है, तो ये सभी के एक छोटे से कण के रूप में उपस्थित है। हम क्या, एक छोटा सा कण ही तो है। इस पृथ्वी को लीजिए, पृथ्वी के मुकाबले अगर आप अपने आप को देखेंगे क्या कहेंगे, एक छोटा सा कण ही तो है, अपने मिट्टी का एक कण उठाइए, क्या एक छोटा सा कण ही तो है, ठीक है? तो यहाँ पर द्रव्य से इसका मतलब कह सकते हैं आप, कण से इसका तात्पर्य कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और हम कह सकते हैं डिटेल से या विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पे ये बात तो इन्होंने कह दी, लेकिन जैसे इन्होंने बात कही तो अब क्या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि द ब्रेगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश या विकिरण द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार द्रव्य को भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इसके में कि क्या हुआ था, जो हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शियां थी उतना विकसित नहीं हो पाई थी। कह सकते हैं कि अब जैसे साधारण सूक्ष्मदर्शी या फिर थोड़ा बहुत सूक्ष्मदर्शियों का विकास हुआ था, लेकिन इनके समय थोड़ा सा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हो गया। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, यहाँ पे जगह है इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या कार्य करेगा, हम जानते हैं कि परमाणु का एक छोटा सा कण है, सूक्ष्मतम इकाई, उसके अंदर भी हमें इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या चाहिए। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है वह छोटे से परमाणु को भी लाख गुना, आप कह सकते हैं कि लाख से दस लाख गुना बढ़ा कर करके हमें दिखा सकती है। जब ये लाख से परमाणु को एक लाख से दस लाख गुना बढ़ा करके हमें दिखाएगी, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन है वह भी अच्छे से आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, तो इसको अच्छे से समझने के लिए कि जो कण है पदार्थ है वह द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, उसको अच्छे से समझने में सहायता मिल सकती थी। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे और लिख लेते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का पुंज वितरण विवर्तन है उसकी घटना भी प्रस्तुत की थी, ठीक है? तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन का पुंज विवर्तन की घटना प्रस्तुत की, ठीक है? यहाँ प्रस्तुत करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये मॉडल हमने अच्छे से समझा, कौन सा, द्रव की, या कह सकते हैं कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ते हैं कि जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने किस प्रकार से अपने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और उसको अच्छे से विस्तार से हम समझेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा था किस प्रकार से द्रव्य की द्वैत प्रकृति है, उसके बारे में हमने जानकारी अच्छे से प्रदर्शित की थी। किस प्रकार से दे ब्रोगली हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह सिद्ध किया था कि कह सकते हैं कि कोशिश की थी कि जो प्रकाश है वह भी क्या कह सकते हैं, प्रकाश की भांति हमारा द्रव्य भी क्या करता है, द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है? तो उसके बाद उनको उन्होंने तो उतना काम करके छोड़ दिया। उसके बाद हमारे जो हाइजेनबर्ग हैं वो सर आए, हाइजेनबर्ग सर ने क्या किया, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत पेश किया। अब कहेंगे सर ये अनिश्चितता क्या हो गई, क्या हाइजेनबर्ग हैं, कौन सा सिद्धांत आ गया ऐसा, तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो जो हमारा अनिश्चितता का सिद्धांत है वह किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऐसा पूछा जा सकता है आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग ने ही अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इस प्रकार सा प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने पहले पढ़ा था, कह सकते हैं कि हमने देखा था जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या कहा था,
रदरफोर्ड हमने पढ़ा था, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन है वो तो बीच बीच में कहीं पाए जाएंगे, भी कह सकते हैं इस बीजों की तरह कहीं भी अवस्था हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो आए थे उनके जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे, उन्होंने हमें रदरफोर्ड के नाम में क्या कहा था कि जो हमारा नाभिक होता है वह तो स्थिर है, यह बात तो निश्चित है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित कक्षा में निश्चित गति से चक्कर लगाता है। ये बात हुई तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित कक्षा में निश्चित गति से ही चक्कर लगा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी को इन्होंने क्या कह सकते हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत कह दिया इन्होंने, कि निश्चित नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, या कह सकते हैं आप उसका जो वेग है वह निश्चित है, उसकी कक्षा एक निश्चित कर दिया आपने कि बस इसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जैसे आपने देखा हो आप स्कूल से आ रहे हो, घर पर चक्कर लगाते हो, स्कूल से घर पर, स्कूल से घर पर, तो आप निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उसके ऊपर निश्चित बल जो आरोपित हो रहा है वह हो रहा है। तो इसी को क्या कहें, हमने कहा था आइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हमने पहले भी मैंने आपको इस कक्षा के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यह तो कन्फर्म है यहाँ पे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, धनावेशित होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर में किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चाल, उसकी गति, उसकी दिशा, उसका वेग, इस सभी चीज़ों को हम समझने की यहाँ पर कोशिश है वह कर रहे हैं। तो चलिए अपनी कोशिश को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ों को समझेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में इस नियम में। मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के नियम में, या कह सकते हैं इस नियम में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम दो चीज़ों को समझेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और दूसरा उसका संवेग, ठीक है। तो इसमें हम क्या, अब जो इनका नियम है उसमें क्या देखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखेंगे पहले नंबर पे, या आप कह सकते हो कि दूसरे हम देखेंगे संवेग के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, संवेग क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया, हमने अभी देखा कि यही कहा कि ये आप कह नहीं सकते कि इसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति को नहीं माप सकते, आप संवेग को, दोनों को एक साथ नहीं माप सकते। बस इन्होंने एक ही बात पे अपना कह सकते हैं बल दिया, फोकस किया कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं माप सकते हैं। अब क्यों नहीं माप सकते, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, जो हमारी द्रव्य की द्वैत प्रकृति थी, हमने यहाँ इस समय तक क्या कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या फायदा हुआ, हमने मैं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वह किसी भी सूक्ष्मतम कण को, किसे सूक्ष्मतम कण से मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो इलेक्ट्रॉन को देखने का कार्य करें, किसी भी सूक्ष्मतम कण को 1,000,000 या 1,00,000 गुना बड़ा कर भी हमें दिखा सके, मतलब कह सकते हैं कि 1,00,000 गुना बड़ा दिखाई कितना बड़ा हो जाएगा, तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान रखा, कैसे कि परमाणु के अंदर हम देखा, तो जैसे ही इन्होंने उसके ऊपर प्रकाश गिराया, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम ये धातु का एक क्या ले लेते हैं, प्लेट ले लेते हैं, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाश गिराना पड़ेगा, तभी तो जब क्या होगा, जब जो प्रकाश है वह इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उससे फोटोन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, जो प्रकाश के छोटे छोटे कह सकते हैं कि समूह के रूप में पाए जाते हैं फोटोन, उनको हमने पढ़ा है अच्छे से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यह प्रदीप्त होता है, याद से कह सकते हैं प्रदीप्त होता है, आप छोटी सी कह सकते हैं कि अग्नि, या फिर छोटी सी आप कह सकते हैं कि ध्वनि है वह उत्पन्न करता है, या छोटा सा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जैसे ही हम क्या कहेंगे, हम जैसे ही इसके ऊपर फोटोन टकराएगा तो ये आवेशित हो जाएगा, आवेशित होने के कारण क्या गति करेगा, ठीक है। तो जब जिस समय हम क्या कर रहे होंगे, हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को देखेंगे, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान करेंगे, तब क्या होगा, हम उसके संवेग को सही नहीं माप पाएंगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्या गया फोटोन टकराया तो इसके संवेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इस समय हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसकी स्थिति तो हमें पता चल गया कि ये स्थिति है, लेकिन हम इसके संवेग का कह सकते हैं अनुमान नहीं लगा सकते यहाँ पे। लेकिन जब हम संवेग का अनुमान लगाने जाएंगे तब क्या होगा, हम इसकी स्थिति का सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो यही क्या है, यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसे हमने इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था, आप कह सकते हैं कि डेल एक्स हम किसको ले रहे हैं, स्थिति को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को यहाँ पे किस दर्शा रहे हैं, डेल एक्स से दर्शा रहे हैं, और इसका संवेग है इसको किसे दर्शा रहे हैं, डेल पी से दर्शा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन का संवेग और इसकी स्थिति को जब आप साथ साथ में मापने की कोशिश करोगे तो आप एच अपॉन टू या 4π लिख लीजिए, 4π मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। यही बात है कि जब आप इन दोनों को साथ साथ मापने जाओगे तो एच अपॉन 4π मिस्टेक आप कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, हमने पहले पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा मतलब अभी बताया था कि आप दोनों की स्थिति को साफ से नहीं माप सकते। जब अगर आप स्थिति को मापने की कोशिश करोगे संवेग में त्रुटि कर दोगे, संवेग को मापने की कोशिश करोगे आप स्थिति में त्रुटि कर दोगे, लेकिन जब आप दोनों को साथ में मापने जाओगे तो आप एच अपॉन 4π त्रुटि वहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पी हमने अभी पढ़ा था संवेग के बारे में, डेल एक्स
ठीक है .dell.mv, ये हम पढ़ कर आ रहे हैं, इसमें कोई भी बच्चों को कन्फ्यूज होने जितना ही आप कह सकते हैं कि दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही बात एच अपॉन 4/5 जितने आप यहाँ पर मिस्टेक करें, तो इससे हम क्या कह सकते हैं डेल। अब इस एम को इस साइड लेके चलते हैं अपने, थोड़ा सा इसको डेरिवेशन के रूप में भी सीखना आवश्यक है इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो क्या सिद्ध करने चाहते हैं हम, देखिए डेल एक्स बराबर एम उधर जाएगा तो क्या बचेगा डेल वी। अब इसका मतलब पता है कि आपको जो ये मान है ये बड़ा है, ठीक है, ये त्रुटि है वो इससे बड़ी आ रही है हमारे पास, बड़ी त्रुटि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देख रहे हैं। तो एच अपॉन 4π × n, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि हल कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वी गुणा वन अपॉन एम, ठीक है। तो इसके लिए छोटी सी आप डेरिवेशन भी आप लिख सकते हैं जिसको आपको आसानी रहे इसको समझने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने ही पढ़ा कि जब फोटोन से टकराता है तो क्या होगा, कोई ना कोई फोटोन है जो धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। हमने ये पढ़ा ना कि जो इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन टकरा रहा है यहाँ पे आप देखते हैं तो उससे ऊर्जा होगी, वह उतनी ही ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अपनी ऊर्जा किसको दे दी, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन आवेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन आवेशित होकर इसके जो संवेग है उसमें परिवर्तन हो गया। तो उसी को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से इसके संवेग को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको उम्मीद है, मैं करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें इसको लिखना चाहते हैं तो जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपने थोड़ा सा इसको थ्योरी के रूप में भी लिखने की कोशिश करेंगे, जल्दी से इसको थ्योरी के रूप में समझेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, पॉज कर करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, आप इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप इसे नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना पेन चेंज कर लेते हैं, इसकी स्याही ख़त्म हो गई है। लिख लीजिए हाइजेन बराग के नियमानुसार, या हाइजेन बराग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार भी लिख सकते हैं आप, हाइजेन बराग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जो हाइजेन बराग है उनके जो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी सूक्ष्मतम कण सूक्ष्म कण या सूक्ष्मतम कण भी आप लिख सकते हैं, सूक्ष्मतम कण की एक ही समय पर, समय क्या है एक ही, आपने पढ़ा था अभी कि एक ही समय पर स्थिति और समय को नहीं मापा जा सकता, बस यही लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक ही समय पर स्थिति व संवेग, या उसके संवेग लिख लीजिए या उसके वेग लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके संवेग को सही सही मापना क्या है असंभव है, ठीक है। ये बातें पढ़ी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, अब हमने फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज करके लिखना चाहिए पोज करके लिख सकते हैं आप। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसकी जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में, जो द ब्रेगली नियम को अच्छे समझा। फिर हमने क्या पढ़ा, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हमने पढ़ा कि इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आप पता नहीं लगा सकते, अगर आप कक्षा का पता लगाना चाहो, उसकी स्थिति का पता लगाना चाहो, आप संवेग में गलती कर देंगे, आप संवेग का पता लगाना चाहो तो स्थिति में आप गलती कर देंगे। यही बात हमने यहाँ पे थ्योरिकल रूप में लिखा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हमारे एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है उसको हम अच्छे समझते हैं और उदाहरण की सहायता से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उदाहरण संख्या 2.6 को हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 5 × 10^14 5 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है। आवर्ती वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें, आवर्ती वाले फोटोन, ठीक है, बी बराबर हमें दिया गया है, हमें क्या कर ज्ञात करना है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ए बराबर एच म्यू, आपको पता है म्यू हमें दिया गया है, एच क्या होता है हमें पता है, प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक का मान हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो हमने प्लांक नियतांक का मान मालूम है, पहले हम लिख लेते हैं प्लांक नियतांक का मान लिख लेते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान हमें पता है 6.626, ठीक है, यही होता है। अगर हम इसके मात्रकों में बात करें तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे हर्ट्ज में मात्रक दिया गया है, तो हमें भी इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका भी होता है
जूल सेकंड, ठीक है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो हमें इस मान दिया गया है इसको हमें हल करना है। किसके, हर्ट्ज के लिए, तो हर्ट्ज के लिए हम सेकंड में इसका परिवर्तन करेंगे तभी हमें उत्तर है वो ऊर्जा मिलेगी, जूल में ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें हम, चलिए इसी में हम हल कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे यहाँ पे, इसके भी अंदर हम इसको अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें दिया गया है ए बराबर एच में, हम फॉर्मूला पता है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बराबर एच की पूरे में पता है 6.626 इंटू 10^-34, ठीक है, जो सेकेंड। म्यू के हमें पता है, दिया गया है क्या दिया गया है 5 × 10^14 हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज कह लीजिए या फिर आप इसे सेकंड में भी कह सकते हैं, 5.10^14 सेकंड इनवर्स कह लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हल करेंगे हम, तो सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा, जूल बचेगा, और जो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पर आप कह सकते हैं 3.313 × 10^-19 जूल हमें इसका आंसर प्राप्त होने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक फोटोन की ऊर्जा हमें एक फोटोन की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप, जब आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, किसी भी न्यूमेरिकल को हम हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।